बुजुर्ग माँ बाप की सेवा और भरण पोषण करना बेटा और बेटी दोनों का परम कर्तव्य। ADJ शैलजा गुप्ता। बुजुर्ग माता पिता की सेवा और भरण पोषण करना बेटा और बेटी दोनों का परम कर्तव्य है। ये बात ADJ शैलजा गुप्ता ने मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में आयोजित विधिक शिविर के दौरान कही। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक शिविर को आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माँ की प्रतिमा पर पूजन और सरस्वती वंदना से किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि ADJ सुश्री शैलजा गुप्ता आजीविका मिशन की समूह सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्गों का भरण पोषण एवं सम्मान की जिंदगी जीना उनका कानूनी हक है। जितने लोग उनकी संपत्ति में अधिकार रखते हैं उन सभी का कर्तव्य है कि बुजुर्ग का भरण पोषण उचित तरीके से हो। यदि कोई बुजुर्ग भरण पोषण के लिए परेशान है तो कानूनन उनका अधिकार दिलाने के लिए बात है। माता पिता की सेवा सही मायने में ईश्वर सेवा है। अंत में उनके द्वारा माता पिता को ईश्वर के समकक्ष मानने वाली स्वरचित कविता प्रस्तुत की गई। ADJ गुप्ता के द्वारा आजीविका मिशन की कार्यशैली की तारीफ की गई। सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए नगर निरीक्षक अमित सिंह भदूरिया ने कहा कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने समूह की महिलाओं को अपना मोबाइल नंबर और उप निरीक्षक भावना राठौर का मोबाइल नंबर प्रदान किया। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक सुमित गुप्ता ने भी आजीविका मिशन के बारे में चर्चा कर जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक महेश कुमार लोधी ने किया। अंत में आभार व्यक्त का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर नीरज सिंह बघेल, शशि कुमार द्विवेदी, सहायक विकास खंडक प्रबंधक रविंद्र रजक स्टैनो के साथ आजीविका मिशन स्टाफ और समूह की तमाम महिलाएं उपस्थित थीं। कि हम लोग बहुत सारे ईश्वर की पूजा करते हैं, मुझे लगता है यहाँ सभी आस्तिक हैं। हाँ सभी पूजा पाठ करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और फिर भी हम पूजा करते हैं? अच्छा, ईश्वर को, ईश्वर से हम क्या क्या मांगते हैं? ईश्वर के नाम बताते हैं। राम सीता तो एक वैसे नाम है ना, वो तो हमारे आइडियल है, आदर्श है, लेकिन वास्तविकता के हम कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? जैसे अन्नपूर्णा, फिर वही बात, पालनहार, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, एक दूसरे से जोड़ने का काम है ना। जब परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जोड़ता कौन है? बेचारी तो यहाँ भी पैसे है, लेकिन